बहुत ही सुंदर कथा प्रसंगों का आप सभी भक्तजन धरती के वैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ धाम में कथा का रसपान कर रहे हैं। सर्वप्रथम व्यासपीठ को नमन करते हुए व्यासपीठ पर आसीन परम पूजनीय प्रातस्मरणीय परम श्रद्धेय बद्रिक आश्रम क्षेत्र के भागवत किंकर श्री राजेंद्राचार्य जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए श्री विष्णु भक्ति एवं सुलोचना देवी गौ सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित इस श्रीमद भागवत महापुराण की इस कथा में जितने भी भक्तजन चैनल के माध्यम से हम सब हमसे जुड़ चुके हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वादुवाद। श्री विष्णु भक्ति एवं सुलोचना देवी गौ सेवा ट्रस्ट ये उन असहाय उन दिव्यांगजनों के लिए है जो शिक्षा के अभाव में आज बेरोजगारी में, आपने देखा होगा पहाड़ों में बच्चा दसवीं करता है और बारहवीं करता है, मन में बस एक ही बात आती है कि दिल्ली बंबई जाकर होटलों में जाना है, बस उसके अलावा भविष्य का कुछ पता ही नहीं है क्योंकि उच्च शिक्षा का अभाव है। और जो भी लोग पहाड़ों से जा रहे हैं ऋषिकेश देहरादून दिल्ली मुंबई ऐसे स्थानों पर जाकर वहीं पर बस अपना किराए के कमरों में रैन बसेरा कर रहे हैं और वहीं पर ही होटल आदि में नौकरी करके कैसे कैसे करके अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर रहे हैं। महाराज श्री ने जब पहाड़ की इस दुर्दशा को देखा तो मन में एक संकल्प लिया और ये संकल्प लिया 7 फरवरी 2016 को। और इस संकल्प का मुख्य उद्देश्य रहा, नाम ही देखिए, श्री विष्णु भक्ति एवं सुलोचना देवी गौ सेवा ट्रस्ट। विष्णु भक्ति, जिसमें भक्ति है, देखिए भक्ति अगर हो सकती है तो हृदय से हो सकती है क्योंकि भक्ति के लिए हृदय चाहिए। और जो ये सिर वाले होते हैं ना, खोपड़ी वाले, ये बस भक्ति का हरण करना जानते हैं। आपने सुना होगा कि सीता माता का जन्म घट से हुआ, घट के दो अर्थ है, एक तो घड़ा और दूसरा हृदय। भक्ति अगर जन्म लेगी तो हृदय से लेगी। जितनी भी आप पूजा पाठ जप तप दान अनुष्ठान करते हैं ये क्रिया है, इस क्रिया के द्वारा भक्ति प्राप्त होती है और भक्ति के द्वारा परमात्मा प्राप्त होते हैं क्योंकि भक्ति परमात्मा की प्रेयसी है, प्रेमिका है। और जहां पर भक्ति माता होती है वहां पर साक्षात परमात्मा निवास करते हैं। देखिए हमारे जीवन में दो चीजें, शिक्षा एवं दीक्षा। शिक्षा बुद्धि को शुद्ध करती है और जो दीक्षा है वो मन को शुद्ध करती है। शिक्षा के द्वारा, शिक्षा चेतन मन पर काम करेगी और जो दीक्षा है वो अवचेतन पर, अवचेतन मन पर काम करेगी। और ऐसे संत महात्मा, ऐसे महापुरुष, ऐसे विद्वान जब बार बार हमें प्रेरणा देते हैं धर्म के मार्ग पर चलने की, देखिए श्री विष्णु भक्ति एवं सुलोचना देवी गौ सेवा ट्रस्ट जो कि केदारनाथ के वैकल्पिक मार्ग चौरा मंगनों में बनाया जा रहा है और उसका हमने 5 जनवरी 2017 को विद्यालय एवं अस्पताल का वहां पर कार्य भी शुरू हो चुका है। तो ये एक, ये धर्म के साथ जोड़ने की महाराज श्री की एक छोटी सी कोशिश है, एक पहल है, एक अभियान है और आप सभी इस महाअभियान में जुड़ जाइए। चैनल के माध्यम से जितने भी लोग हमसे जुड़ चुके हैं मैं उन सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके टीवी स्क्रीन के आगे कुछ नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर पर संपर्क साधिए और जुड़िए इस महाअभियान के साथ, जुड़िए इस धर्म की इस गाथा के साथ, क्योंकि जो जरूरतमंद लोग हैं वो वहां पर उपस्थित रहेंगे और आप सबके पास तन से मन से धन से जितना हो सके सेवा हो जाएगी। देखिए सेवा भाव है, भक्ति भी भाव है। सेवा तब उत्पन्न होती है, भक्ति तब उत्पन्न होता है जब मन में दान की प्रेरणा आती है। दान की प्रेरणा से सेवा का भाव उत्पन्न होता है, भक्ति का भाव उत्पन्न होता है और भक्ति का भाव उत्पन्न होते ही भक्ति माता जब भी हृदय में प्रवेश करती है तो अपने पुत्रों के साथ प्रवेश करती है। तो भक्ति माता के पुत्र महाराज श्री ने बताए थे ज्ञान और वैराग्य हैं। और अभी महाराज श्री शिव महापुराण की कथा सुना रहे हैं तो शिव महापुराण क्या है, श्रद्धा और विश्वास का विषय है, श्रद्धा और विश्वास का पुराण है क्योंकि श्रद्धा और विश्वास के बिना परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसलिए इस महाअभियान के साथ मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि जुड़िए धर्म की इस गाथा के साथ। तो मेरी आप सभी से विनम्र निवेदन है कि विष्णु भक्ति एवं सुलोचना देवी गौ सेवा ट्रस्ट का जो ये उद्देश्य है, उच्च शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन और स्वरोजगार की जो ये हमारी पहल है, आप जुड़िए इस पहल के साथ। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कृपया करके इस अभियान के साथ जुड़िए और परमात्मा के इस लक्ष्य को जो कि महाराज श्री ने ये संकल्प लिया है इसको पूर्ण कीजिए। और पुनः मंच व्यासपीठ को ये मंच समर्पित करते हुए एक बार फिर से सरस्वती पुत्रों के श्री चरणों में नमन करते हुए एवं विद्वत मंडली के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं व्यासपीठ को ये मंच समर्पित करता हूँ। और ये कहा कि ये जो है सबकी रक्षा करने वाला होगा, त्रिलोक का अधिपति होगा,
इस प्रकार से समझा करके और दक्षिणा लेकर के चल पड़े गर्गाचार्य जी। इधर बाल कृष्ण धीरे धीरे बड़े होने लगे। कृष्ण के जो बाल लीलाएं हैं ना, वो सबसे ज्यादा प्रभावकारी हैं, क्योंकि बालकपन की जो लीलाएं हैं भगवान की बाल लीलाएं, बालक जल्दी प्रसन्न होता है। और हमेशा संत महापुरुष भी कहते हैं कि जब भी भगवान का ध्यान करना हो तो कृष्ण का, बाल कृष्ण का ही ध्यान करना चाहिए। अभी हम लोग जो पूजन करते हैं यहाँ पर नित्य विधि में, उस नित्य पूजन में भी बाल कृष्ण का ही पूजन होता है, राधा कृष्ण का नहीं, बाल कृष्ण का, लड्डू गोपाल का पूजन। ध्यान भी जो ध्यान के लिए कहा गया है वो भी बाल कृष्ण का ही ध्यान करने के लिए कहा। धीरे धीरे कन्हैया बड़े होने लगे, 1.5-2 साल के हो गए, घुटनों के बल भगवान चलने लगे। मैया वो सुंदर सी पीली कछोटी पहनाती भगवान को, पीत पीत वस्त्र धारण कराती, उस श्याम सुंदर सुंदर सा सजा करके काजल का तिलक लगाती गाल पर और बेणी गोंथ करके ऊपर से मोर का पंख लगा देती थी, और कन्हैया के हाथ पर सुंदर से घुंघरू, वो सुंदर से पैरों पर घुंघरू बांध करके कन्हैया धीरे धीरे घुटनों के बल आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे अपने आंगन में खेलने लगे कन्हैया। एक दिन क्या हुआ, सारी ब्रज की जितनी गोपियां थी सब भगवान के दर्शन कर रही है, दूर से देख रही है। कन्हैया को एक दिन भगवान मैया ने श्रृंगार कराया और सुंदर से अपने आंगन में लेकर के आई बाहर। घुटनों के बल कन्हैया चल रहे थे, मैया इधर दूर बैठी थी। माँ ने कहा, आजा मेरे लाला, आजा आजा। कन्हैया उठ करके धीरे से खड़े हुए, आज पहली बार भगवान अपने पैरों पर खड़े हुए, दौड़े 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 मैया की गोद में बैठ गए। जा करके माँ ने सुंदर लाड लाया भगवान को और सुंदर से श्रृंगार करके, और मैया ने कहा, बेटा जरा नाच के दिखा दो, खड़े रह करके दिखा अपने पैरों पर। भगवान की वो छोटे छोटे से चरण भगवान अपने पैरों पर खड़े होने लगे, तो मैया धीरे धीरे चुटकियां बजाती है, भगवान नाचने लग जाते हैं। रुण झुण झनक झन झन भारत है
बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान नाचने लग जाते हैं माँ के इशारों पर, जैसे मैया नचाती है वैसे भगवान नाचने लग जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा प्रेम में इतनी ताकत है जो परमात्मा को भी इशारों पर नचा देता है। इस संसार को अपनी भ्रुकुटी मात्र से नचाने वाला आज माँ के प्रेम में, माँ यशोदा के की भक्ति में, माँ यशोदा के प्रेम से नाच रही है ना। राम जी भी ऐसे नाचा करते थे, ठुमक चलत राम चंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत राम चंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत लीलाएं। धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे। एक दिन तो माँ ने श्रृंगार कराया और श्रृंगार करके छोटे से कन्हैया को आंगन में लेकर के आई मैया। भगवान के हाथ पर रोटी है, रोटी पर माखन लगा है, और माखन लगा है तो इतने में एक कौवा महाराज आयो। कौवा अपने मन में सोचता, भगवान का झूठन है, थोड़ा सा भोग मुझे भी मिल जाए तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए जीवन, भगवान की जूठन मिल जाए। जैसे भगवान ने भोग लगाया, थोड़ी सी चखा माखन और हाथ पर रोटी रखी थी, आंगन में प्रभु खेल रहे थे, इतने में कौवा महाराज आयो और कौवा महाराज ने हाथ से रोटी छीन ली। भगवान धरती पर जमीन पर लेटने लगे, हाथ पैर मारने लगे, धूल में धूसरित हो गए। ये दृश्य जब सूरदास जी ने कल्पित किया अपने अपने मन में, भगवान के लिए कितने सुंदर लग रहे थे जब भगवान उस धूल में खेल रहे थे, उस जिद में, उस कौवे के लिए कह रहे, मैया मेरा रोटी लेके कौवा, मैं बड़ा होऊंगा तो बदला लूंगा इससे, मैं रोटी लेकर के आऊंगा इससे वापस, मेरे रोटी लेके कौवा। सूरदास जी ने जब यह दृश्य देखा, सूरदास जी ने लिखा, धूली भरे अति शोभित श्याम जो कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजदी बाजदी पीली कचोटी, वाच पिको रस खान बिलोकत वारत काम कलानिधि कोटि, काग के भाग का कहिए हरी, हाथ सो ले गयो म
माखन रोटी हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जब भगवान उस धूल में धूसरित हो रहे थे ना, तो और भी सुंदर लग रहे थे। जब धूल भी आकर के भगवान की पंगांग राग रुचिरो रुचिर लगने लगी, बड़ी सुंदर लगती थी। कौन? वो धूल जब भगवान के श्रीअंग में आकर के चिपक जाती थी, भगवान के श्रीअंग से धूल भी सुंदर लगने लगती थी। भगवान धीरे धीरे बड़े हुए और इन्होंने एक मंडली बनाई, बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडली, उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया कन्हैया ने। और कन्हैया ने कहा, भैया ऐसा करो, अब सबसे पहले चोरी करेंगे। बोले, कन्हैया तू कैसे मित्र हमसे चोरी करवाओगे? बोले, भैया चोरी और काहे बात की ना है, केवल माखन की दही माट मटके की चोरी करेंगे, और सबसे पहले दूसरे के घर नहीं अपने घर में से चोरी करके आओ पहले। अगर तुम अपने घर में पास हो गए तो समझ लो तुम पक्के चोर बन गए। फिर अच्छा, अपने अपने घर में गए, सबने अपने अपने माट मटकियों से माखन की चोरी करी। मैया ने दो धुनाई करी, सवेरे आकर के कन्हैया से शिकायत कर दी, कन्हैया देख आज जो है ना मैया ने इतनी मार लगाई, इतनी पिटाई की, हमको नहीं बनना चोर। अरे बोले, मार पड़ गई एक बार, मार फिर पक्के चोर बन गए, अब तो चोरी छूटेगी नहीं तुमसे। चल करके भगवान माखन की चोरी करने लगे। ब्रज की जो गोपियां है ना, जब कन्हैया पन्हारे पर कभी मिल जाती थी, पानी भरने आती थी सब एक जगह, सारी गांव की गोपियां, तो कृष्ण के दर्शन के लिए तो लालायित रहती थी रात दिन। कृष्ण 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 उनके मन में, हृदय में, बुद्धि में, उनके व्यवहार में हर समय कृष्ण ही कृष्ण था। जब से कन्हैया ने जन्म लिया, जब से कन्हैया अवतरित हुए धराधाम पर, ब्रज भूमि पर, ब्रज की सारी गोपियों का इष्ट बन गया है कृष्ण। बिना कृष्ण दर्शन के तो मुख आंखें भी नहीं खोला करती थी। कृष्ण के दर्शन लालसा के लिए सारी गोपियां चल पड़ी पन्हारे पर। कन्हैया मिल गए और कन्हैया से गोपियां कहती, कन्हैया जरा नाच के दिखा दो। कोई माखन का बहाना देती है, कोई दही का, कोई छाछ का। महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, देखिए प्रेम में परमात्मा कितने अधीन हो जाते हैं भक्त के। ब्रज की गोपियां जो ठीक ढंग से कई दिन से नहाती भी नहीं है, नहाना स्नान करना भी नहीं, कुछ पावनता नहीं, कुछ शुद्धता नहीं, लेकिन फिर भी उनका मन शुद्धता कृष्ण के लिए था। इसलिए सारी गोपियों भगवान को जैसा चाहती थी वैसी वैसी कृष्ण नाचने लग जाते थे। और जब दर्शन करके मन भरा रही, तो एक दिन सारी ब्रज की गोपियां आपस में बहाना बनाती हैं कृष्ण का दर्शन कैसे किया जाए। एक सखी मिलने गई और सखियों से, सुनो सखियों, आज मैंने देखा आनंद बाबा के आंगन में माँ तालियां बजा रही थी, कन्हैया नाच रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे, कैसे चले मैया बताओ तो सही। हे बहनों, ये बहाना कैसे बनाए? कन्हैया से मिलने का बहाना, भगवान को मिलने का बहाना, कौन सा बहाना? सत्संग ही बहाना है, भागवत की कथा ही कन्हैया से मिलने का मार्ग है। जो कथा में ध्यान लगाएगा परमात्मा की प्राप्ति, भगवान का दर्शन आप बैठे बैठे करेंगे, यहीं बैठे आपके हृदय में भगवान के दर्शन हो रहे होंगे। बालकृष्ण का जो जो ध्यान से सुन रहा होगा उसको दर्शन हो रहे होंगे भगवान के, आनंदित उसका हृदय हो रहा होगा, रोमांचित हो रहा होगा, जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो रहे होंगे, हृदय में भगवान का प्रकाश हो रहा होगा, जो नित्य निरंतर भगवान की बाल लीलाओं का, इन कथाओं का श्रवण कर रहा होगा। गोपियां चल पड़ी बहाना बना करके, सास सवेरे सवेरे मंदिर गई, अपने अपने घर की मटकियां फोड़ दी सबने। जैसे सासु माँ घर पहुंची, सासु माँ ने कहा, ये किसने कर दिया सब कुछ? सासु माँ से कही कि वो नंद को छोरा आयो, वहां ने सारी मटकियां फोड़ दी, दही बिखेर दिया। सास ने कहा, तुम जाकर के कहो नंद रानी से, समझा करके रखे अपने लाला को। चल पड़ी सारी गोपियां, तो चाहती यही थी कि थोड़ा सा हमें जरा परमिशन मिल जाए, आज्ञा मिल जाए घर से जाने की। सब पहुंची गोपियां नंद भवन में, नंद रानी को आवाज दी, अरे यशोदा मैया, दौड़ी दौड़ी माँ यशोदा बाहर आई,
क्या बात है भैया, आज तुम तो सारी, न कोई मेरे लाला को जन्मदिन, न कुछ है, कोई त्यौहार न व्रत, आज कैसे आ गई। बोले गीत गाने नहीं आए तेरे लाला के आज, आज शिकायत करने आई है। अच्छा क्या शिकायत है मेरे लाला की बताओ जरा। गोपियों ने और गोपी बोले ऐसे नहीं बताएंगे, पीठ पीछे किसी की, अभी आचार्य जी बता रहे थे कि पीठ पीछे किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, इसलिए बोले सामने लेकर के आओ कन्हैया को। मैया ने आवाज लगाई, क्यों नहीं कन्हैया, तुरंत भगवान दौड़ पड़े, सोए थे अंदर, दौड़े दौड़े आए बाहर। काजल मैया ने लगाई थी आंखन में, वो काजल को ऐसे आंखों से हाथ मरोड़ते हुए, उंगलियों को फेरते हुए, काजल सारे भगवान की गालों तक फैल गई, जगन्नाथ का स्वरूप बन गया। भगवान ने कहा क्या बात है मैया। गोपियों को सामने देखा और माँ ने जैसे सिर पर हाथ रखा कन्हैया के, कन्हैया ने मैया के साड़ी का पल्लू पकड़ दिया, थर थर कांपने लगे भगवान गोपियों को देख करके, हैं, और शिकायत करने लगे। एक गोपी शिकायत करती है, बाकी दर्शन करते हैं भगवान का। गोपी शिकायत करती, मैया क्या बताएं तेरे लाला की शिकायत। वत्सान मंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्थेयं स्वादो तद तदिपया कल्पिते स्थेय योगे। ए मैया क्या बताई तेरे लाला की शिकायत। भैया जब भी गाय दोहने का टाइम आता ना, समय जब आता है सायंकाल को गाय दोहने का, दूध निकालने का टाइम समय आता है, तो दूध निकालने से पहले तेरे लाला आकर के हमारे बछड़न को खोल देता। बोले तो मैया ने कहा बोले ठीक तो करता है, बछड़े तो खोलता है तुम्हारे। बोले बछड़े खोलता है क्या, सारा दूध पी जाते हैं बछड़े, और हमारे फिर बाल्टियां खाली रह जाती हैं। क्यों रे कन्हैया सच्ची बात है। बोले मैया एक बात बताऊं, इनके जो बछड़े हैं वो डेढ़ हड्डी के हो गए सारे, दूध सब ये बेच करके आते हैं मथुरा, और बछड़े बेचारे डेढ़ हड्डी के हो गए, भूखे प्यासे मरा करे मैया, या करके मैं बछड़े खोल दिया करूं इनके। अच्छा बोले ठीक तो करता मेरे लाला, तुम्हारे बछड़े खोल देता है, या को नेक से डांट दिया करो। बोलते हैं अगर डांट दिया ना, इसे डांट दिया तो गुस्सा हो जाता है, क्रोध आ जाता है, इसे गुस्सा आ जाती है, भाग जाता है, फिर कहता तुम्हारे घर दोबारा नहीं आऊंगा। मैया ये और चोरी कुछ ना करे, दही माखन की चोरी करा करे तेरे लाला। अच्छा एक गोपी कहती है ये आकर के जो है ना हमारी मटकियां फोड़ देता है, दही तो खाता ही है माखन खाता है, लेकिन मटकी भी फोड़ देता है। और मैया अकेला आए तो कोई बात नहीं, लेकिन पीछे से सारी ग्वाल मंडलियां, उनके पीछे बंदर, और जिस घर में माखन हो तो माखन खाए, कुछ अपने सखाओं को खिलाए, बाकी जो कुछ बचे वो बंदरों को खिलाए, और जिस घर में माखन ना हो वहां जाकर के कह दे बाप रे बाप, ये घर है कि मड़घट है, या माखन ही नहीं है। गालियां दे करके आ जाता है हमारे घर से। मैया ने कहा छीके पे टांग दिया करो। बोले मैया एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, चढ़ करके अंत में तेरा लाला सबसे ऊपर, और निकाल करके माखन अपने आप खा देता है, और बाकी सखाओं को छेटे मार देता है। भगवान जब माखन का भोग लगाते हैं ना चोरी करके, तो घंटी टकी रहती है, वो घंटी बजने लगती है जैसे भगवान भोग लगाते हैं। भगवान कहते हैं घंटी चुप हो जा, चोरी पकड़ी जाएगी अभी। लेकिन भगवान के दर्शन से निर्गुण जो जड़ है वो चेतन बन गया, घंटी अपने आप बजने लग जाती है। बोले प्रभु आप भोग लगा रहे हैं ना, तो बिना घंटी के भोग नहीं लगता है, इसलिए मैं बज रही हूँ। भगवान ने कहा वो घंटी तो अगर तो बजती रही तो फिर तो पूरी घंटी बज जाएगी मेरी, बंद कर बस। एक सखी कहती अनेक प्रकार की उलाहनाएं सखियां देती हैं माँ को। भैया ने कहा कितना माखन चाहिए तुम्हें, जाओ यहां से भागो। एक दिन तो मैया बहुत परेशान हो गई, सवेरे सवेरे लाला को मैया ने स्तनपान कराया, पालने में सुला दिया, और अपने आप मां सवेरे सवेरे आज माखन बिलो रही है लाला के लिए। एकदा ग्रहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरणयुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी।